संजय लीला भंसाली को सलमान खान ने ऐश्वर्या को ना छूने की दी थी हिदायत। तो हम दिल दे चुके सनम के सेट पर ही ओवर पोजेसिव हो गए थे सलमान खान। शूटिंग के बीच में ही दिखाने लगते थे एग्रेसिव नेचर। जी हाँ, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच के प्यार और तकरार के किस्से तो हमने सालों से सुने हैं, और इन दोनों के बीच जो घमासान हुआ था उसके किस्से भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो अब एक और ऐसा ही खुलासा सलमान खान की को एक्ट्रेस ने किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सलमान खान ने कैसे फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संजय लीला भंसाली को ही ऐश्वर्या राय से दूर रहने की और ना छूने की स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी थी। जी हाँ, इस वक्त सुर्खियों में छा गया है वो किस्सा जब सलमान खान के ओवर पोजेसिव नेचर का सामना आज के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को भी करना पड़ गया था। और अपने प्यार के लिए बॉलीवुड के टाइगर ने फिल्म के सेट पर ही डायरेक्टर को दे दी थी स्ट्रिक्ट वार्निंग। वैसे तो सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश ने ब्रेकअप करते हुए एक्टर पर इनसिक्योर बिहेवियर और एग्रेसिव नेचर होने के कई आरोप लगाए थे, लेकिन सालों के बाद अब सलमान के इसी नेचर का खुलासा उनकी एक को स्टार ने भी कर दिया है। दरअसल फिल्म हम दिल दे चुके सनम में आश की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस समीता जैकर ने बॉलीवुड की ऐश्वर्या और सलमान के रिलेशनशिप का ऐसा ही किस्सा सुनाया है, जिससे इस कपल की लव स्टोरी फिर से खबरों का बाजार गर्म कर रही है। अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस समीता जैकर ने बताया कि कैसे ऐश के लिए सलमान उस वक्त जरूरत से ज्यादा ही केयर करते थे। एक्ट्रेस ने बताया, उस समय सलमान ऐश की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। मुझे याद है हम गाने का शूट कर रहे थे, ऐश खड़ी थी और सलमान को उनके आसपास घूमना था। उस सीन को समझाने के लिए संजय लीला भंसाली आए और ऐश को छूकर सीन समझाने लगे, लेकिन सलमान ने उन्हें कहा, संजय सर आपने उसे क्यों छुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं कि नए प्यार में सब कैसा महसूस करते हैं। अब समीता जैकर के इस खुलासे से ये बात तो साफ हो गई है कि सलमान खान उस वक्त ऐश्वर्या राय के प्यार में इस कदर पड़ चुके थे कि उन्हें ना तो फिल्मों से कोई फर्क पड़ता था और ना ही फिल्म के डायरेक्टर से। तभी तो सभी के सामने उन्होंने संजय लीला भंसाली को ऐश को छूने तक से मना कर दिया था। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में यूं तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर इस रिश्ते के टूटने की वजह के बारे में बात करें तो अलग अलग जुबान पर अलग अलग वजह सुनने को मिलती है। वही खुद एक्ट्रेस ऐश्वर्या की माने तो उन्होंने सलमान के एग्रेसिव बिहेवियर के कारण ही उनसे नाता तोड़ा था। ऐश्वर्या ने सलमान पर आरोप लगाए थे कि उन्हें सलमान फिजिकली और इमोशनली बहुत टॉर्चर करते थे। सलमान ऐश्वर्या को धमकी भी दिया करते थे। ऐश्वर्या उनकी इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। 2001 की बात है जब सलमान भड़के हुए ऐश्वर्या के घर पर पहुंच गए थे और ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला तो लगातार कई घंटों तक दरवाजा वो पीटते रहे, और फिर उन्होंने ऐश को धमकी दी कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेंगी तो वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाएंगी। तब मजबूरन उन्हें दरवाजा खोलना पड़ा था। बात इतनी ही नहीं थी कि सलमान फिल्मों की शूटिंग के दौरान दूसरे स्टार्स को लेकर ऐश्वर्या पर शक किया करते थे। आज आलम ये है कि बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या सलमान को देखना तक पसंद नहीं करती है और ना ही उनके बारे में बात करना पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।